देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट के कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था जिसमें एम्प्लॉय के हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h, फिर उसके बाद void main गेट ch। हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रक्चर सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं मेन के बाहर में चल जाता हूँ और यहाँ पे एक सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मैं डिफाइन करता हूँ। उसके लिए मैं कीवर्ड लिखूंगा स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थ्री मेंबर बनाएंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ कैर नेम, और मैं इसको एरे टाइप को बना रहा हूँ। मैक्सिमम साइज इसका हम लोग ले लेते हैं 50। मैक्सिमम साइज हम लोग ले लिए 50। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बनाता हूँ इंट रोल नंबर, रोल नंबर। फिर उसके बाद बनाता हूँ फ्लोट मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे तीन मेंबर ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स हम लोग मेन के अंदर में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, s1, s2। मैंने, चलो हम लोग तीन ले लेते हैं, s3, तीन वेरिएबल्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका वेरिएबल्स बना लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब जो s1, s2, s3 जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए, इस s1 के अंदर नेम, रोल नंबर, मार्क्स तीनों अवेलेबल होगा। s2 के अंदर भी नेम, रोल नंबर, मार्क्स तीनों अवेलेबल होगा। s3 के अंदर भी नेम, रोल नंबर, मार्क्स तीनों के तीनों मेंबर्स अवेलेबल होंगे। मतलब हर एक वेरिएबल में हम लोग तीन तीन डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे इसमें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे एक डबल कोट्स लगा के हम लोग यहाँ पे करेंगे एंटर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट वन। ठीक है, और स्लैश एन मैं लिख लूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट्स में लिखूंगा एंटर रोल नंबर। ठीक है, एंटर रोल नंबर मैंने किया, और यहाँ पे लिख लूंगा स्कैन एफ। ठीक है, डबल कोट्स दूंगा, रोल नंबर है इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा %d, कॉमा दे के s1.roll number। ठीक है, जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के लिए करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल जैसा ही हम ले सकते हैं। यहाँ पे %m हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे स्कैन एफ
डबल कोट में यहाँ पे लिख लेंगे पूरा का पूरा स्ट्रिंग अगर हमें लेना है तो क्या क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप को बॉक्स लगाते हैं और लगाते हैं पावर स्लैश एन और यहाँ लिखेंगे परसेंट, ठीक है। कॉमा देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे एस वन डॉट नेम, ठीक है। तो ये हम लोग ने रोल नंबर और नेम ले लिया और लास्ट हम लोग एक और ले लेते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर मार्क्स कैन एफ और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डबल कोट्स के अंदर परसेंट एफ क्योंकि फ्लोट है, कॉमा देके मैं दूंगा एस वन डॉट मार्क्स, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट वन की सारी डिटेल्स हम लोग ने इनपुट ले लिया। तो मैं इसको सेम वैसी एस टू के लिए कर देता हूँ, सेम एस थ्री के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ जिससे हम लोग सेपरेट कर पाए, ठीक है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतनी लाइन काफी होगी। स्लैश एन में ले लूंगा लास्ट में और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जहां जहां पे वन है वहां वहां कर देंगे टू एस टू डॉट रोल नंबर एस टू डॉट नेम एस टू डॉट मार्क्स, ठीक है। मैं इसको वापस से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और थर्ड स्टूडेंट के लिए भी हम लोग ले लेते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ओके। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और हम लोग यहाँ पे करेंगे जहां जहां टू लिखा हो वहां वहां हम लोग थ्री कर देंगे। यहाँ मैंने थ्री कर दिया, यहाँ थ्री कर दिया एस थ्री डॉट नेम एस थ्री डॉट मार्क्स। तो तीनों हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं और हम लोग इसको वापस सेपरेट कर देते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, अब सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे स्टोर कर चुके हैं, अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, एक एक करके हम लोग प्रिंट कर देते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट वन, ठीक है, स्लैश एन और यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ करके एक एक करके प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं नेम, ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर था तो रोल नंबर हम लोग कर लेते हैं रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे परसेंट एस सॉरी परसेंट डी कॉमा देखिए हम लोग एस वन डॉट रोल नंबर डॉट रोल नंबर, तो हम लोग यहाँ रोल नंबर प्रिंट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ नेम, नेम में है स्ट्रिंग तो परसेंट एस हम लोग लिख लेंगे, कॉमा देके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एस वन डॉट नेम, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट एफ ठीक है, उसके बाद मार्क्स
परसेंट एफ और कॉमा देखिए हम लोग लिख लेंगे S1 डॉट मार्क्स। तो तीनों की डिटेल्स हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं ताकि हम लोग का समय यहाँ पे बच जाए। शिफ्ट इंसर्ट और यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 की जगह 2, स्टूडेंट 2 S2 डॉट ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इंसर्ट ठीक है, यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट 3 और S3 डॉट रोल नंबर, S3 डॉट नेम, S3 डॉट मार्क्स, तीनों हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे सेपरेट भी कर लिया है और तीनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव ठीक है, स्टूडेंट डॉट सी स्टूडेंट ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कोई भी एरर नहीं है और मैं कर देता हूँ इसको रन ठीक है। एंटर रोल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट का ठीक है, एंटर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट 1। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ 1001 यहाँ पे अपन कर देंगे F प्लस लिखेंगे और यहाँ STDIN ठीक है। तो मैं सभी में इसको कॉपी कर देता हूँ Thank you.
ठीक है, ये हम लोग पहले, मैंने पहले भी इसको बताया था कि जब भी हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम लोग को इस इनपुट को क्लियर करना होता है। क्या करना होता है? इनपुट को क्लियर करना होता है, तभी हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया गया है, कौन सा? इंटीजर का फॉर्मेट दे दिया गया है। तो इनपुट जब हम लोग अगला लेते हैं, तो वो हमेशा किस में लेता है? वो इंटीजर में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लोग को इनपुट वहां से क्लियर करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? एफ फ्लश यहाँ पे लिखते हैं, तभी हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले पाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के बाद भी हम लोग इनपुट को क्लियर करेंगे। ठीक है, एफ फ्लश मतलब होता है जो इनपुट है उसको क्लियर करता है, वो मीन्स जो भी लास्ट इनपुट रहेगा उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, स्क्रीन से। तो हम लोग हमेशा इंटीजर के बाद जब भी स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को एफ फ्लश लिखना होता है, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लेने के बाद भी एफ फ्लश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक बार कर देते हैं, प्रिंट एफ में यहाँ पे हम लोग स्लैश एन स्लैश एन ऐड कर देते हैं सब में। ठीक है, हमने ऐड कर दिया है, और एक बार फाइनली इसको हम लोग रन करते हैं। कंपाइल किया मैंने और रन किया। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ रोल नंबर 1001, देन इसके बाद नेम डालता हूँ मैं, किसका डालूँ? अरविंद डाल देते हैं। ठीक है, मुझे जिसका नेम याद है मैं उसी का डाल रहा हूँ। मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे 78.9। ठीक है, और नेक्स्ट है एक सविता। ठीक है, और रोल नंबर डाल दिए, गलती हो गया, नेम में सविता डाल देते हैं। ठीक है, वापस से इसको रन करते हैं। ठीक है, 1001, नेम है अरविंद। ठीक है, मार्क्स है 78.9। ठीक है, रोल नंबर 1002, नेम है सविता, और अब यहाँ क्या गलती हो गया?